यार इसका पानी देखे ना कितना ग्रीन कलर का हो गया, ये पहले यहाँ तक आ गया था, फिर हमने थोड़ा सा पानी निकाल दिया, लेकिन जल्दी से इसकी करनी है सफाई क्योंकि रात को इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तो सारा पानी यहाँ से इसके अंदर आया और इसमें से यहाँ पर आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या मसला है यार? एक तो तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो ना, ये तुम्हें खा जाएगी, इतनी छोटी सी मुर्गी है उससे भी डरता है, और इसको ना डराना इसने शुरू किया है। सबसे पहले इसने अभी मुर्गों को आवाज़ देगा, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है कि मुर्गियाँ मुझे काट रही हैं। अब क्या मुर्गियों को क्या करें? मुर्गियों को काट दें? सारी मुर्गियों को काटना है, मतलब आपकी जान छूट जाएगी। ये कह रहे हैं जी कि सारी मुर्गियों को ज़िबा कर दें ताकि यहाँ पर मुर्गियाँ ही ना हो और ये खुश हो जाए। आपको फिश नहीं मिलेगी आज, ठीक है ना, इसलिए आप घर जा सकती हो। ये काफ़ी देर से ना यहाँ पर मछलियों के लिए खड़ा है, क्योंकि हम यहाँ से मछलियाँ निकालेंगे तो ये भी एक ले लेगा। मछली नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ पहले से, मछली आपको एक भी नहीं मिलेगी। दूर से देख सकते हो? हाँ जी दूर से देख सकते हो, हाँ इधर से देख सकते हो। हाँ चाहिए चाहिए कोई नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। क्या हाँ ठीक है, हाँ समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आया, लेकिन खाना खाएगी जी, फिश खाना भी खाएगी, आपको नहीं मिलेगी। अभी बस इसमें से निकाल के हमने बाल्टी के अंदर छोड़नी है और फिर आपने दूर से देखनी है, फिर जल्दी से हम इसको साफ करके ना सारी फिशेज बाल्टी में से इसके अंदर छोड़ देंगे। ओके हो गया, ओके ओके। आज से हमारे पानी वाले परिंदे पक्के पक्के तकरीबन एक महीने के लिए तो अंदर, और इंशाल्लाह कल से ना यहाँ पर काम भी शुरू हो जाएगा। आज मिस्त्री भाई आए थे लेकिन मौसम ऐसा था ना, मुझे लगा बारिश होगी, तो इसलिए ना मिस्त्री भाई वापस चले गए, अब कल सुबह आएंगे। इनको इसलिए हम बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितना भी घास है ना थोड़ा थोड़ा निकलता है और साथ ही ये घास खा लेते हैं, तो इसलिए घास को बचाने के लिए ना, ताकि एकदम से बड़ा हो जाए, उसके लिए हमें एक तो मुर्गियों को भी थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, यहाँ पर कम निकालना है, वहीं से दाना खिलाकर उस तरफ भेज देना है, और हमारे जो राजा रानी है ना इनको भी बस अब हम बाहर नहीं निकाला करेंगे। ये एक अंडा, दो और इधर भी पड़े हुए थे, आपको एग चाहिए ना, ये ले लो, ये हर रोज़ मुर्गियों के एग मांगते हैं और फिर थोड़ी सी देर के बाद तोड़ देते हैं। अब ये तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये सूखे हुए हैं, अगर फेंकेगा फिर क्या मिल गया, दे दो। ये यार फिंचेस गया है ना, इनके लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनको डाल देते हैं क्योंकि ये अब घास मांग रही हैं हमसे। ये लोग अब इन्होंने नेस्टिंग करनी है, बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया और अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठंडा होता जा रहा है, और ये तकरीबन इनका सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अगस्त में ना बर्ड्स का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर हर इलाके में अपने हिसाब से गर्मी होती है ना, तो मुझे उन इलाकों का नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में अभी समझे कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, तो इसलिए देखें घास को देखकर कैसे इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अभी तो लवबर्ड की कॉलोनी में घास नहीं डाला, उधर डालूंगा ना तो भी उठा उठा कर ले जाएंगे। किधर है वो सामने देखो, ये घूमता रहे दो चार दिन तक, यहाँ से उड़ के चला जाएगा। और ये रहा रानी, ये तो टूटा हुआ है, ये देखो रानी ने तो नहीं तोड़ा फिर से, कोई पता नहीं यार क्या पता, ये रानी पी रही है। मोर मोरनी मोरनी हमारे अंडे देती है और साथ ही ना अंडा पी लिया जाता है। अब यहाँ पर भी यार अली तुमने खुद देखा है रानी को पीते हुए, दरवाजा खुला हुआ था तो फिर मुर्गियाँ अंदर गई होंगी ना यार, मुर्गियाँ अब यहाँ पर भी आके अंडे पी जाती हैं, वही सुर्ख वाली मुर्गी होगी। अब हमने ये सोचा कि हम ये अंडा यहाँ पर रख देते हैं, बाकी भी सारी रानियाँ यहीं पर अंडे देंगी और यहीं पर खुद ही कुड़ुक होकर बैठ जाएंगी, क्योंकि अब हम अंडों को ना इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रख रहे। ये बेचारा सारा दिन यहाँ पर बैठा रहता है, बताओ जी कितने अंडे हैं? तुम दो नहीं है, एक है, इधर दो हुए है ही, एक 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 दिया है ना, तो दूसरा कल आएगा, ये दो है। तुमने कैसे देखे हैं? देखे कैसे दो देखे? एक और एक दो, एक एक और एक, एक दो एक और एक ग्यारह, ग्यारह नहीं दो भी होता है, दो अंडे हैं। लेकिन बेचारा सारा दिन अकेला ही खुद घुटर गूं, फीमेल बैठती नहीं है, फीमेल के मजे हैं, वो अपने वो भी देखो कहाँ पर बैठी हुई है बाकी कबूतरों के साथ। चलो ये जाओ यहाँ से अपने कबूतर के साथ जाकर बैठो, और नहीं जा रही माशाल्लाह। कल से हमने यहाँ पर थोड़ा सा पीछे 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 हो जाओ बर्तन रखे हैं ना, और ये देखें टब के अंदर हमने पानी को भर दिया है, अब यहाँ पर पानी का मसला हल हो चुका है, और इसके अंदर हमने दाना जो था ना फुल तो नहीं भरा था, लेकिन आधे से हमने इसे ज़्यादा भरा था, तो अभी देखें दाना ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको फुल भर दिया करें तो एक दिन तो निकाल जाएगा ना, तो फुल कितना भरेगा? तकरीबन 10 किलो दाना तो पक्का, मतलब ये तीनों 10 किलो तक दाना रोज़ाना खा जाते हैं, और महीने का तो फिर मनों के हिसाब से, इसीलिए तो अब हमें ना एक हफ्ते के बाद जितना दाना मंगवाते हैं 3-4 तोड़े वो ख़त्म हो जाते हैं,
हमें आज पता लग गया सबसे ज़्यादा दाना जो है ना ये खाते भी हैं और ज़ाया भी करते हैं। रैबिट बेचारे यहाँ खाते हैं और यहाँ से पानी पीने के लिए वहाँ अपने घर के अंदर जाते थे और उसको मैंने बंद ही कर दिया था। तो अब रैबिट के लिए हम पानी यहाँ पर लगाएंगे। हैं किधर दोनों? किधर सोया हुआ है नज़र? हाँ वाइट वाला वो सामने देखें यार, इधर ये सुराख ही कर देना कहीं। दूसरा वाला इधर होगा? नहीं है। किधर है? हाँ वो बाल्टी के पीछे छुपा हुआ है। पानी पीने के लिए बेचारे इतना दूर का सफ़र करके जाते हैं, तो अब इनकी बोतल यहीं पर लगा देंगे तो यहीं पर ये पानी पियेंगे क्योंकि वो वाली जगह तो कल ख़त्म हो जाएगी। भागो भागो भागो, कमो ने हमें तंग किया हुआ था, कमो के बच्चों को आज पकड़ते हैं। आराम से जाना कहीं उड़ी ना जाए। ये देखें सामने बैठा हुआ है और वो जा रहा है छत के ऊपर। आज कवे के बच्चे को हम पकड़ के ना वापस उसके घर के ऊपर छोड़ेंगे, लेकिन कवे बार बार काटने के लिए आ रहे हैं। अभी आएंगे आएंगे, वो देखो ऊपर आ गए हैं। आराम से पकड़ लो भागने ना पाए। इधर भाग के जाएगा, ऊपर कवे भी आ गए हैं। ये काटेगा काटेगा। खैर है तुम्हारे सर के ऊपर टोपी है ना, पकड़ लो यार जल्दी जल्दी से। इधर 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 इधर, ये गली में चला गया कवे का बच्चा, गली के अंदर चला गया। नहीं यार बच्चों को कुछ नहीं करना, काटता तो नहीं है। काटते ओए ओए, अभी इतना छोटा सा। अली अली ये फिर आ गया। चलो 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 चलो, या ये कवे का बच्चा हमने पकड़ लिया। किधर आओ आओ ना, रोजाना हमें तंग करते हो यार। हमने बोलता बोलता भी है, बोलता भी है। अली हाथ आगे करना, कितने प्यार से काटता देखो। मेल है ये, तुम्हें कैसे पता? ये देखे ना आंखों से। नहीं यार ये तब तक बड़ा नहीं होता ना, तब तक पता नहीं चलता। आ जाओ तुम भी आ जाओ, कवे के बच्चे के नज़ारे कर लो। नकले तार है अली इसको, अली कोई भी चीज़ देखता है ना उसकी नकले तारना शुरू कर देता है। चलो ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा, एक मिनट ये देखो मेरे हाथ पे बैठ गया था। ये इतना ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता ना वो यहीं पर छोड़ देते हैं इसे। उधर छोड़ो, उधर मुझे दो, मुझे ये। चलो वो इतना ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता। अब आ जाओ अपने बच्चों को। ओए लड़ाई, ओए ओए ओए, रानी ने किसी को कुछ नहीं कहना। चलो यार पकड़ लो इसे, इसके माँ बाप के पास छोड़ते हैं, इसे और ज़्यादा तंग नहीं करते। मुझे तो मैं छोड़ने लगा हूँ यार इसे, अब तो ये गया, अभी मैं इसे सच में छोड़ने लगा हूँ। 1 2 और 3, मैंने क्या बोला था कि देखो कहाँ तक चला गया, बिल्कुल अपने माँ बाप के पास जाके बैठ गया। अब इनको काई काई नहीं करनी चाहिए, क्लैपिंग करनी चाहिए। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो बस, ठीक है बहुत हो गया। दूसरा वाला बच्चा भी इनका, दूसरा वाला भी देखो इधर ही होगा। दूसरा कौन कहते नहीं मिल रहा यार, एक ही बच्चा है। अगर दूसरा नज़र आ जाता ना तो उसको भी अपने माँ बाप से मिलवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ना तो बेला नज़र आएगी ना भालू नज़र आएगा, क्योंकि दोनों को ना अली दूसरे घर में एक पिंजरे के अंदर बंद करके आ गया। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या क्या हो क्या गया? चलो चलो चलो, लाया होगा कुछ, रोजाना यही कुछ ना कुछ ले आता है। कोई नई चीज आ गई है। कवे का बच्चा, कवे का बच्चा तो नहीं है? ये देखो अंदर अंदर, ये रानी आ गई है और अंडे, ये अंडे देखो, आज हमारे अंडे बच गए। ये देखो तो क्या अंडे हमने पहली दफा देखे हैं यार, बच गए। हमें ये दिखाना चाह रहे, ये देखो दो हम लोगों ने क्या क्या आपको बच्चे आ गए हैं तो ये दो। यार अजीब बात है, आओ तो इससे मतलब खुशी क्या हुई है, मतलब रोजाना अंडे पी लिए जाते हैं, आज बच गए हैं। वो मुर्गी, मुर्गी किधर है? वो सुर्ख वाली वो अंदर ही होगी, तो फिर आज उसने अंडे भी नहीं पिए। नहीं पिए अंडे, आज बच गए हैं। मुझे लगता है वो मुर्गी है ही नहीं इधर, उसको भी हमने शेड के। ये अल्फा को क्या हो गया? अल्फा ठंडी जगह है, इस पे बैठा हुआ है ठंडी जगह। ये इधर अलग से बैठी हुई है, दोनों में नाराजगी हो गई है। ये अपने मुंह बना के बैठी हुई है। चला गया? अच्छा उसके पास चला गया, शुक्र है यार। मुझे लगा कि दोनों नाराज हैं आपस में, बस दो काफी है ना। ये वाली भी काट दो और ये वाली भी काट दो, एक ये वाली भी काट दो और ये हमारे जानवर खा लेंगे। दोस्तों हमारे ये वाला जो ये नीम, ये किसका है यार मैं भूल ही गया हूँ, ये शहतूत। हाँ ये शहतूत का दरख्त है और ये जो जो बड़ा होता जा रहा है ना ये टेढ़ा होता जा रहा है, और अगर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ना, टेढ़ा हो गया ना, तो फिर परेशानी हमें होगी क्योंकि ये इन तारों के ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ पर होना चाहिए, ये इस जगह पर बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर जिस तरह ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना इसी तरीके से। तो बड़ा बांस लगा देते हैं ना इसके साथ लाकर, या फिर इसको कहीं बांध देते हैं। नहीं ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर बिल्कुल इधर लगेगा ना यार ये टूट जाएगा, ये फ़ायदा नहीं है। बड़ा बांस आते हैं और फिर इसको लगाते हैं। आ जाओ फीमेल को भी ले आओ, वो अंदर छुपी हुई है क्योंकि उसने अभी तक पत्ते देखे नहीं है। हाँ आ जाओ तुम भी आ जाओ, देखो कितने पत्ते आ गए हैं और ये इसकी पसंद के हैं, सारे खा जाती है।
माशाल्लाह एक ने तो खाने शुरू कर दिए, डरना नहीं है बिल्कुल भी। वो थोड़ा थोड़ा ना शोर मचा रही है, इतनी मज़े की इसकी आवाज़ होती है ना, मैं अंदर ही आ जाता हूँ। आज तो ये मेरे सामने ही खाएगी, मैं नहीं जाऊँगा बाहर। आ जाओ। ओह मेल भी भाग गया, ये इतने मज़े से दोनों खा रहे हैं, वो डर गए हैं। इसको भी काटना है? इसको भी काटेंगे यार, इसको क्यों काट रहे हो, इतना तो ये प्यारा लग रहा है। हाँ एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ नीचे नीचे से, लेकिन अभी नहीं काटते, माली भाई आएंगे ना उनसे कैंची ले करना, ये नीचे नीचे से हम काट देंगे और फिर ये ऊपर को ना एकदम से बढ़ जाएगा। इसकी थोड़ी सी स्पीड कम है उनके मुकाबले में, वो चारों तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन बीमारी से एकदम से ठीक हुई है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। माशाल्लाह भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मुझे पता है यहाँ से ये पानी पिएगी। गुजरो गुजरो घर जाके ताज़ा पानी पीना। ये देखें दोस्तों, बेला और भालू उस तरफ, दोनों को अली ने यहीं पर बंद कर दिया है। पहले इनकी लड़ाई एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब शुक्र है आज जब से इनको यहाँ पर बंद किया है ना, हैं दूर दूर लेकिन लड़ाई नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इनका पैर लग जाए और जल्दी से बेला के बच्चे आ जाएँ और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बेला के साथ घूमते हुए प्यारे लगें। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।